आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस, जैसे मेजो और एसेमिक, कायरल क्या है। चलिए मेजो को और एसेमिक को समझते हैं। अब मेजो को समझने से पहले एक बार कायरल को देख लीजिए। हमने बहुत अच्छे से करा है कि कायरल कौन से एटम होते हैं। देखिए कायरल कार्बन हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इसी के अंदर हम डिस्कस करने जाएंगे और उसका नाम रहेगा मेजो और मेजो कंपाउंड, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर, चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो कायरल क्या है? एक ऐसा कार्बन है जिसके पास चारों वैलेंसी पे अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो जब ऐसा कोई कार्बन हो जिस पर चारों अलग अलग वैलेंसी पर एटम अलग अलग हो, ग्रुप अलग अलग हो, तो भगवान उसे एक अलग ही शक्ति दे रखा होता है कि जो लाइट तुम पर स्ट्राइक होगी वो अपना एंगल चेंज करेगी। यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट का जो मोमेंट हो रहा है, जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, वो अपना मोमेंट का डायरेक्शन चेंज करती है, और इसी कारण हम इसे कायरल बोलते हैं। और कायरल की खास बात होती है कि कार्बन क्या होता है, वो चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑल एटम्स और ग्रुप्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर डिफरेंट देन कार्बन इज कॉल्ड कायरल। देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का वैलेंसी है, ये चार वैलेंसी है, मैंने ए बी सी और डी ये अलग अलग एटम से अटैच कर दिया। तो बताइए चारों अलग अलग एटम है, हाँ, तो क्या ये कायरल कार्बन होगा या नहीं होगा? हाँ ये कायरल होगा, और इसी वजह से मैं इस कायरल को स्टार से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। और ये प्लेन पोलराइज लाइट को कुछ इस तरह से रोटेट करता है। मान लीजिए पहले ये लाइट इस मोमेंट में थी, अब इस सॉल्यूशन में से या इसमें से पास होने के बाद इसका रोटेशन चेंज हो गया। तो ये किस तरफ जा रहा है बताइए, ये राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? तो ये राइट की तरफ आ रहा है, तो इसको डेक्स्ट्रो, और अगर ये लेफ्ट की तरफ जाता होता तो इसे लीवो बोल देते हम। ये एक बेसिक सा है। तो ये तरह कायरल का काम। लेकिन हो ये रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें दो कायरल है, एक इसे राइट में घुमाता है और एक इसे लेफ्ट में घुमाता है। तो नेट रोटेशंस क्या हो जाता है? नेट रोटेशंस होता है जीरो। और इस तरह के बनने वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मेजो। तो मेजो की डेफिनेशंस क्या होती है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ध्यान रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो कायरल होंगे, एक से काम ही नहीं चलेगा, एक राइट घुमाएगा और एक लेफ्ट घुमाएगा तो मेजो कहलाएगा। अगर सिंगल कायरल होता तो फिर मेजो हो ही नहीं सकता। यानी हम यहां पर बोल सकते हैं ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू और मोर कायरल एटम इन विच वन एटम इन विच वन एटम प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट इन लेफ्ट साइड एंड अदर अदर कार्बन रोटेट इन राइट साइड इन सेम मैग्नीट्यूड ओवरऑल कार्बन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव
कार्बन की जगह हम यहां पर लिखेंगे और आर मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉल्ड मेजो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, मेरे पास ये कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इसके ऊपर ए बी सी अलग अलग एटम जुड़े हुए हैं, यहां अलग है, यहां पर भी कुछ अलग अलग ही देखने को मिल रहा है, तो आप बताइए क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ। क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ। दोनों कायरल हैं, एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो होगा। मान लीजिए ये आपके पास जो कायरल है ये डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो होगा, ये तो श्योरिटी हो गई। और हमारे पास नेट ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? मेजो। लेकिन दिक्कत एक आ रही है कि हम डायरेक्ट कैसे बोलें कि ये डेक्स्ट्रो और लीवो होगा। इसके लिए मेरे पास एक कंसेप्ट है कि इस तरह के कंपाउंड में जो भी मेजो है उनमें दो कायरल होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, इतना बोलना जरूरी है। इससे अलावा ये भी बोल सकते हैं कि दो कायरल होंगे और उनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, दिख रहा है आपको? ये कहलाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी मॉलिक्यूल को अगर इस तरह से क्रॉस किया जाए कि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट इक्वल आ जाए, यानी दोनों पार्ट बराबर आ जाए, तो उसे बोलते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उस मॉलिक्यूल में पीओएस हम बोलते हैं। तो जब इस तरह का पीओएस देखने को मिलता है तो ओरल कार्बन ओरल मॉलिक्यूल हमारे लिए क्या हो जाएगा? अकायरल। तो कार्बन कायरल है लेकिन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल अकायरल है। तो ये जो अकायरल मॉलिक्यूल है इसी को हम मेजो बोलते हैं। तो मेजो के लिए आप समझ सकते हैं कितने कार्बन कायरल होने चाहिए? दो, एक से काम नहीं चलेगा, या फिर चार या फिर छः, मतलब इवन नंबर होना चाहिए जिससे आपको जितना क्लॉकवाइज मिले उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। इज दैट क्लियर? और सेम मैग्नीट्यूड में हो, सेम मैग्नीट्यूड होने के लिए उनमें जितना कायरलिटी ऊपर जनरेट हो रही है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में नीचे हो, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि ऐसे कंपाउंड में आप पीओएस देख लो। फॉर एग्जाम्पल क्या ये कायरल है? देखिए ध्यान से, क्या ये कायरल है? हाँ, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल बराबर कटता है, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है और ये मेजो है, ठीक है, ये मेजो होगा बिल्कुल। लेकिन अगर ये इस तरह से होता, एक एल्काइल ग्रुप ऊपर होता और एक नीचे होता, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता? नहीं रखता। ऊपर वाला भी डेक्स्ट्रो होता, नीचे वाला भी डेक्स्ट्रो होता, या ऊपर वाला भी लीवो होता, नीचे वाला भी लीवो होता। और ऐसे हमें डायरेक्ट बता दिया बिना ज्यादा मेहनत किए, उसका एक ही कारण है कि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, प्लेन को इस तरह से काट रहे हैं, दोनों कार्बन बाहर की तरफ ऊपर दिख रहे हैं, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जबकि इसमें आपको एक अप और एक डाउन डायरेक्शन में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी, और इसीलिए हम ये बोल सकते हैं ये मेजो नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें चेक करनी है मेजो के लिए, फर्स्ट उसमें दो कायरल होने चाहिए, सेकंड उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हैं। पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड सिमेट्री दिखे। तो यहां हम और एक चीज डाल सकते हैं कि डेफिनेशन में हम ये और लिख सकते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू और मोर कायरल कार्बन एटम आर प्रेजेंट विद पीओएस और सीओएस कॉल्ड कॉल्ड मेजो। इज दैट क्लियर? दूसरी तरफ हम बात करते हैं रेसेमिक मिक्सचर। देखिए, हो ये रहा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई कायरल कार्बन है तो भगवान ने उसको ताकत दे रखी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करे, या तो वो क्लॉकवाइज में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा मिक्सचर बनाया जिसमें एक कंपाउंड क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एक और अन्य कंपाउंड है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेसेमिक। यहां हमारे पास एक ही कंपाउंड में थे और यहां अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी पड़ेगी। तो रेसेमिक मिक्सचर का मतलब है क्या? हमारे पास ये रहेगा टू कंपाउंड, यानी हम बोल सकते हैं टू एनेंशियोमर्स, प्रेजेंट इन सेम अमाउंट इन मिक्सचर देन
जनरेटेड सॉल्यूशंस इज कॉल्ड रेसेमिक मिक्सचर। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, रेसेमिक मिक्सचर का मतलब सीधा सीधा है कि आपके पास ऐसा कोई पॉइंट आ रहा है, ऐसा कोई सॉल्यूशन आ रहा है जिसमें दो कंपाउंड है, दोनों ही कायरल लगते हैं और एक दूसरे के एनाइशोमर्स हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और दूसरी तरफ इसी का एनाइशोमर्स है और वो हो जाएगा हमारे पास बी ए डी और यहाँ पर सी। तो बताइए, ये मान लीजिए ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है जो राइट साइड में रोटेट करता है प्लेन पोलराइज राइट को, और ये क्या हो जाएगा लीवो है जो आपको लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज राइट को। अब कंडीशन ये कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, नेट रोटेशन कितना हुआ जीरो, लेकिन ये नेट रोटेशन किसकी वजह से जुड़ा हुआ है, दो अलग अलग कंपाउंड की वजह से, दोनों कंपाउंड की वजह से, तो ये एक मिक्सचर होगा। अगर इसमें एक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और एक की कम हो जाएगी तो फिर रेसेमिक नहीं होगा, दोनों का कंसंट्रेशन या अमाउंट आपके पास क्या होना चाहिए सेम। जबकि यहां पर आपके पास एक ही कंपाउंड के अंदर दो कायरल कार्बन होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये मिक्सचर नहीं है, ये एक सिंगल कंपाउंड है जबकि ये एक मिक्सचर है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो, बाकी सब अच्छा है। थैंक यू।